हेलो एवरीवन, ई कॉमर्स की सीरीज में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दे रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सो आज हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात करने वाले हैं। फरवरी 7, 1958 में डिफेंस सेक्रेटरी नील एमसी इलोए ने एक मेमोरेंडम साइन किया था, और उस साइन करने के बाद अरपा का सेटअप सेट हुआ था। अरपा का फुल फॉर्म रहती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको अभी 1970 में हम जानने लगे हैं डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ज्यादातर क्लोज्ड है यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से। ठीक है, यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से हिस्ट्री ज्यादा क्लोज्ड है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी को डेवलप किया था। ये एक नेटवर्क था, जो फर्स्ट नेटवर्क है, जीके में भी आता है, उसका नाम क्या है, दैट इज द अर्पा नेट, यानी कि जिसको हम एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और बाद में उसका नाम चेंज कर दिया गया था डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी में। सो अर्पा नेट के काफी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगेन आई डिस्कस अबाउट इंटरनेट। इंटरनेट का रेवोल्यूशन 1970 के बाद ही ज्यादा हुआ था। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, द नेटवर्क शुड कंटिन्यू टू फंक्शंस इवन इफ वन या मैनी ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्शन नेटवर्क टू फेल्ड। अगर एक नेटवर्क या एक से ज्यादा नेटवर्क भी फेल हो जाते हैं तब भी ये नेटवर्क काम करता है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था, द नेटवर्क शुड बी यूजेबल इन डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। तो जहाँ पे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन करते हैं तो वहाँ पे भी यूजेबल है, वहाँ पे भी हम उसको यूज कर सकते थे। नेक्स्ट वन है, द नेटवर्क शुड बी एबल टू रीडायरेक्ट द ट्रैफिक अराउंड नॉन फंक्शनिंग पार्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर कोई नेटवर्क का पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसको रीडायरेक्ट करने में भी ये नेटवर्क हेल्पफुल था। नेक्स्ट वन जो इसका अनदर फंक्शंस है, द नेटवर्क शुड बी ए नेटवर्क रादर देन ए नेटवर्क ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि नेटवर्क जो है वो नेटवर्क है दूसरों का, कंप्यूटर का ही नेटवर्क नहीं है, लेकिन बाकी जो अनदर फंक्शंस है कंप्यूटर है बहुत से नेटवर्क का नेटवर्क ये अर्पनेट था। अब नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत से नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट है। और कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब है कि जब हम कोई चीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम जो मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं। माना ये कंप्यूटर है, इसको बहुत से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है? नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? एक सिस्टम है इन विच मल्टीपल कंप्यूटर आर कनेक्टेड। ये माना एक कंप्यूटर है, ये नेटवर्क है, तो इसके साथ जो है उस कंप्यूटर नेटवर्क के साथ बहुत से कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपस में शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर रहे हैं, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। अब इसमें आता है, जब द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर में केबल के थ्रू भी नेटवर्क ले सकते हैं, वायर्ड मीडिया के थ्रू ले सकते हैं, वायरलेस मीडिया के थ्रू भी कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे आपका हॉटस्पॉट है फोन में होता है, उससे वायरलेस में आता है, आप केबल वायर के थ्रू भी आप कनेक्शन लेते हैं। द बेस्ट जो ये जो बेस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। सो नेटवर्क के कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। इसी ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट अब ग्लोबली स्प्रेड है, ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क का पार्ट है, यानी कि जो नेटवर्क है बहुत से नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो सकता है। किसी भी इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? कंप्यूटर की एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। अब देखिए, कंप्यूटर होगा तो उसमें अगर इंटरनेट फैसिलिटी होगी, कंप्यूटर इज ए आल्सो कॉल्ड डाटा प्रोसेसर। कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? डेटा इसको हम कहते हैं डेटा प्रोसेसर, बिकॉज इट कैन स्टोर प्रोसेस रिट्राइव डाटा। कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन को लिख भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं,
कंप्यूटर इक्विपमेंट इज ए साइजेबल इन्वेस्टमेंट, दस यू शुड सिलेक्ट ए कंप्यूटर केयरफुली बिफोर बाइंग ए कंप्यूटर, अंडरस्टैंड द नीड एंड चूज वन अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आपको कंप्यूटर लेना है तो आप अपने अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर को चूज करते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करने वाले को हम कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे BSNL है, जियो है, ऐसे बहुत सी सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको ऑनलाइन मतलब इंटरनेट की फैसिलिटी देते हैं। ये ऐसे ब्रॉडबैंड होते हैं जो 24 आवर आपको फैसिलिटी देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आजकल के दौर में इंटरनेट का रेवोल्यूशन बहुत हो चुका है, एंड 1970 के बाद भी, 1980 के बाद आप काफी रेवोल्यूशन देखेंगे WWW में, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में। तो ये एक इंटरनेट में सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म हुआ था 1990 के बाद। तो ये चीजें आपने थोड़े सा याद रखनी है। इंटरनेट की एप्लीकेशंस बहुत हैं, कहाँ कहाँ आप यूज करते हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और आपने कमेंट बॉक्स पे लिखना है कि इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। वैसे तो हर बच्चा आजकल फर्स्ट और सेकंड वाला बच्चा भी समझता है कि इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट आई अगेन एक्सप्लेन कि February 7, 1958 में नील एमसी एलोए ने एक मेमोरेंडम साइन किया था। उसके सिग्नेचर के बाद वो अर्पा नेट का लॉन्च किया गया था। अर्पा की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसको बाद में हम डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से जानते हैं। ये जो नेटवर्क है यूएसए डिफेंस मिनिस्ट्री ने बनाया हुआ है, यूएसए डिफेंस मिनिस्ट्री ने बनाया है, तभी तो उसका नाम बाद में डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के नाम से इसको जाना गया। इसके मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर दोबारा से हम फोकस करते हैं। ये ऐसा नेटवर्क है कि अगर इसमें से एक दो कनेक्शन फेल भी हो जाते हैं तब भी ये काम करेगा। दूसरा है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को क्रिएट करता है। अनदर वन थिंग कि अगर कोई ट्रैफिक जो है वो बीच में फंस जाता है या उस ट्रैफिक की वजह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पाती है, तो उसको दोबारा से नेटवर्क को रीडायरेक्ट करने की कोशिश करता है। अनदर वन थिंग कि इस नेटवर्क में क्या है कि ये जस्ट कंप्यूटर का ही नेटवर्क नहीं है, लेकिन ये नेटवर्क टू नेटवर्क है। अनदर वन थिंग, नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर है जो बहुत से सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है ताकि हम चीजों को शेयर कर सकें, हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। और जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसी को ही हम इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट को क्या बोलते हैं हम? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं कि बहुत से नेटवर्क का एक पार्ट है। इंटरनेट चलाने के लिए हमें क्या जरूरत है? कंप्यूटर की और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। आप फोन पे इंटरनेट चलाते हैं तो आपको फोन की जरूरत पड़ती है, और साथ में ही आपको जो है वो बॉर्डर प्लान या फिर कोई प्लान लेना पड़ता है जो आप अपने नंबर पे लेते हैं। उसी तरह अगर कंप्यूटर पे नेटवर्क चलाना है तो आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, या तो केबल के माध्यम से आप नेट चला सकते हैं या वायरलेस मीडिया के माध्यम से नेट चला सकते हैं। तो आजकल के लिए इतना काफी है। कल हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द इंटरनेट, इसका वीडियो अपलोड करेंगे, एंड WWW के फीचर्स क्या हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे।